हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी होममेड रेड चिली फ्लेक्स। तो घर में आप कैसे बना सकते हैं रेड चिली फ्लेक्स, तो उसकी रेसिपी मैं आपको दे देती हूँ, जिसको कि आप पिज्ज़ा पास्ता से लेकर किसी भी नाश्ते में यूज कर सकते हैं। तो मार्केट से भी अच्छे रेड चिली फ्लेक्स आप घर में बहुत आसानी के साथ तैयार कर पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी सूखी लाल मिर्चें। मैंने यहाँ पर काफ़ी तीखी वाली लाल मिर्चें ली हैं। आप कम तीखी वाली वैरायटी भी मार्केट में मिल जाएगी, आप वो भी ले सकते हैं। और लगभग 100 ग्राम के करीब यहाँ पर लाल मिर्च है, तो इसकी हमें डंडी इस तरह से रिमूव करके रखना है। तो सारी लाल मिर्चों की सबसे पहले हम डंडी रिमूव कर देंगे। तो बिल्कुल मार्केट जैसी इस तरह की जो बॉटल मार्केट में आती है, बिल्कुल इसी तरह के रेड चिली फ्लेक्स आप घर में रेडी कर पाएंगे और बहुत ही कम कीमत पर। और आराम से आप इसको स्टोर करके इस तरह की बॉटल में भर के या फिर कांच की बॉटल में भी भर के आप इसको स्टोर कर सकते हैं, पिज्ज़ा पास्ता से लेकर किसी भी नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर सारी लाल मिर्चों की डंडी को मैंने रिमूव कर दिया है। अब ये जो आप लाल मिर्च देख रहे हैं, इसको हमें 2 पार्ट्स में तोड़ना है। इस तरह से तोड़ दें और तोड़ने के बाद में इसके जो बीज हैं इसको हमें अलग करना है। आप जब इसको अलग करेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे, तो बीजों को अलग करते वक्त ज़्यादातर बीज तो निकल जाएंगे, लेकिन थोड़े बहुत बीज रह ही जाते हैं। आप कितनी भी कोशिश करें, पर उसको हमें निकालना भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो बीज रह जाएंगे वो खाने में अच्छे लगते हैं, साथ ही देखने में अच्छे लगते हैं। और बाजार के जो रेड चिली फ्लेक्स आते हैं उनमें भी थोड़े से बीज रहते ही हैं। तो इस तरह से आप सारे बीजों को हमें अलग कर देना है। आप चाहें तो लाल मिर्चों को थोड़ी सी धूप दिखा सकते हैं, इससे लाल मिर्चें थोड़ी सी टाइट हो जाएंगी और उसके बाद में इससे बीज निकालना बहुत इजी हो जाएगा। साथ ही जब इसको पीसेंगे तो मॉइस्चर इसमें जब कम हो जाएगा, तो लाल मिर्चें थोड़ी सूख जाने की वजह से मिर्चें पिसती भी जल्दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने लाल मिर्चों की स्किन को बिल्कुल अलग कर लिया है, साथ ही बीजों को अलग कर लिया है। और ये जो बीज हैं आप चाहे तो इनको फेंक सकते हैं, या फिर जो मिर्चों की डंडी होती है, साथ ही ये जो बीज होते हैं, इनसे बहुत ही बढ़िया चटपटा तीखा एक चूरन बनाया जाता है, जिसको आप खाने के साथ खाएंगे तो खाने का मजा दुगना हो जाएगा। तो रेसिपी जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जल्द ही सिखा दूंगी। साथ ही ये जो आप लाल मिर्चों की स्किन देख रहे हैं, तो ये जो लाल मिर्च है इसे हमें लगभग 10 से 15 मिनट की धूप दिखानी होगी, ताकि इसमें अगर कोई मॉइस्चर हो तो पूरी तरह से चला जाए। और उसके बाद में इसको हम इस तरह से मिक्सी के जार में डालकर पल्स करते हुए पीसेंगे। तो हमें एकदम से मिक्सी चलानी नहीं है, सिर्फ इसको पल्स करना है। सिर्फ इसको हमें एक एक सेकंड का बटन दबाना है, तो लगभग 3 से 4 सेकंड में ये पिस जाएगी। बहुत ज्यादा इसको पीसेंगे तो एकदम महीन हो जाएगी, तो थोड़ा सा पीसते वक्त हमें ध्यान रखना होगा। पल्स करते हुए पीसें और ये देखिए इस तरह से आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे रेड चिली फ्लेक्स बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी रेड चिली फ्लेक्स बनकर रेडी हुए हैं। और इसको आप चाहें तो थोड़ा सा छान सकते हैं। छानने के बाद में जो बिल्कुल एकदम पाउडर्ड रेड चिली पाउडर होगा, तो वो आप अलग कर सकते हैं, उसको आप खाने वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से आपको मिल जाएगा बिल्कुल ऊपर ऊपर की स्किन, साथ ही थोड़े से बीज के साथ आपको होममेड रेड चिली फ्लेक्स रेडी मिल जाएंगे, जिसको आप बनाकर आराम से स्टोर कर सकते हैं, पिज्ज़ा पास्ता से लेकर किसी भी सैंडविच और नाश्तों में यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।